क्योंकि हुजूर की जितनी बातें होती हैं उससे ज्यादा कीमती कोई वक्त ही नहीं होता। कितना कीमती वक्त, गुलाम नबी भाई ने नात पढ़ी, हो सकता कोई तुमसे कल कह दे कि भाई नात खानी हुई पूरी रात क्या सीखा, तो एक सीधी सी बात है, अगर हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला हुजूर की बारगाह में नात लिख के लाए, ओके हुजूर मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, फिर हुजूर इज्जतें कितनी देते हैं, फरमाते हैं हसन जरा ठहर जाए, अपनी मुजम्मिल वाली चादर बिछाई, फरमाया इस पे बैठ, अब मेरी नात पढ़ के सुना, अब मेरी नात पढ़ के सुना। बात समझ में आ गई ना, नात पढ़ना कितना बड़ा काम है। अगर ये नौकरी लग जाए खुदा की कसम इससे बड़ी नौकरी हो ही नहीं सकती है, इससे बड़ी नौकरी नहीं हो सकती है। मेरे सामने हर तरह का इंसान बैठा है, इसमें गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, इसमें ऐसे भी होंगे जो रोज कमा के घर के खर्चे चलाते हैं, ऐसे भी होंगे जो घर बैठ के खाते हैं, लेकिन खुदा की कसम आज एक लाइन में सब बैठ गए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। खुदा की कसम ये वो मंजर देखने को मिलता है जब हुजूर की गुलामी की सफ में आते हैं ना, तो छोटे बड़े सब एक जैसे नजर आया करते हैं, एक जैसे नजर आया करते हैं। बता तो सही, अगर एक जलसा एक कर सकता है तो फिर मदीने वाले की मोहब्बत कितना एक बना सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, उनका जो काम है अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। लोग कहते हैं बरेलवी आपस में लड़ाते हैं, मैं कहता हूं नहीं प्यारे, गलत कहते हो, बरेलवी आपस में लड़ाते नहीं, बरेलवी लड़ते हुए को गले मिलाया करते, ये सच्ची बात है। और चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया नजदीत को, अगर बात गलत हो मेंबर से उतार दे, सच्ची हो तो आके बैठ, तेरी फिक्र 100 साल पुरानी है, इमाम अहमद रजा की फिक्र 1400 साल पुरानी है। हाँ, तेरी फिक्र 100 साल पुरानी है, तो कहता नबी कुछ नहीं देते, लेकिन आला हजरत कहते हैं कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। ये कहते हैं नबी को इल्म नहीं, आला हजरत ने क्या कहा, नबी के इल्म की बात करते हो, इन्होंने कहा कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, आला हजरत कहने लगे और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, अल्लाह सलामत रखे। लगना चाहिए गुलाम नबी भाई कि सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते, नात नीचे वाले भी पढ़ते हैं। आला हजरत ने क्या कहा, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर, ये आज की फिक्र है, वो 1400 साल पुरानी फिक्र है। जब ये फिक्र आई तो इसने भाई को भाई से लड़ा दिया, इसने अपनों को अपनों से जुदा कर दिया। मेरे हुजूर ने हमें कलमे की रस्सी से जोड़ा था, हमें हुजूर ने दीन के दामन में रखा था, आज वजह क्या, भाई भाई का मुखालिफ हो गया, अपना अपने के खून का प्यासा हो गया, हम इतने बदल गए, हमें अपने खून का एहसास नहीं रहा, नई अकलें आई, नई फिक्रें आई, कहने लगे नहीं जी अब जहालत का दौर नहीं, अब इल्म बढ़ रहा है। बात उसकी सही है जो अपने घर के अपनी बीवी का हार ना बता सका, उसे इल्म गैब कैसे मान ले कि उसे इल्म गैब था, ये फिक्रों ने आदमियों को अकल अंधा कर दिया। नहीं, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। जब ये अकीदा बीच में आया ना, इस अकीदे ने भाई को भाई से लड़ाया। कल तक तो हम एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे के लिए मर मिटने तैयार होते थे, आज जब से ये आया ना नबी को इल्म गैब ने, आपस में लड़ने लग गए। भाई बुजुर्गों ने फरमाया मकान नया बना लो, कपड़े नए बना लो, गाड़ियां नई खरीद लेना, लेकिन अकीदा 1400 साल पुराना ही रखना है। अकीदा 1400 साल पुराना ही रखना है। गुजारिश करूंगा हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। आज कितने लोग हैं मुझे बताएं, सारे लोग हाथ उठा के, जितने लोग वलियों से प्यार करते हैं वो हाथ उठा दें जरा, माशाल्लाह, अपने दाएं बाएं सारे देख लें, मैंने हाथ उठवाए जितने वलियों से प्यार करते हैं। अब हाथ ना उठाएं, अपने गरेबान में झांके, वो सोचें कि कितने लोग वहाबियों से रिश्ते करते हैं। हाथ नहीं उठवाऊंगा, वो लोग अपने गरेबान में झांके कि कितने लोग वहाबियों में रिश्ते करते हैं। कुछ लोग कहते नहीं जी बेटी देना खराब है, लेने में क्या आया, हाँ
कहते ले आए तो क्या हो गया, ले ही तो आए, दे तो नहीं दी। सुन, जो बेटी देते हैं उनकी एक जाती है, जो लेके आते हैं उनका पूरा घर चला जाता है, उनका पूरा घर चला जाता है। हाँ, जितने बैठे यकीनन सब गरीब नवाज से प्यार करने वाले होंगे, सब मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले होंगे, सब ताजुश शरिया का इश्क दिल में रखते होंगे, आला हजरत पे जान देने वाले होंगे। लेकिन मुझे बता तो सही, जब तुमने अपने मुर्शिद का दामन थामा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा तुमने किसका दामन थामा है, तुमने किसके हाथ में हाथ दिया है। ओ यार, मैं दो रोटी खाता हूँ तो मुझ में सोचने की अल्लाह ने कुव्वत रखी है। आप दो रोटी खाते हैं, अच्छे बुरे की आपको भी तमीज होगी। आपने जिसके हाथ में हाथ दिया अच्छा ही समझ के दिया होगा, जिसको आपने दामन को थामा है उसको अच्छा ही समझ के दामन थामा होगा। लेकिन बता तो सही, अगर तूने ताजु शरिया के हाथ में दिया है, अगर तेरा हाथ हबीबी मिल्लत के हाथ में गया है, अगर तेरा हाथ हुजूर कादरी साहब के हाथ में गया है, अगर तेरा हाथ किसी हशमती के हाथ में गया है, अगर तेरा हाथ किसी चिश्ती के हाथ में गया है, अगर तेरा हाथ किसी अशरफी दूल्हा के हाथ में गया है, फिर मुझे बता तो सही, वही हाथ वहाबी के हाथ में जाए तुझे हया क्यों नहीं आती है, वही हाथ पद मजहब के हाथ में जाए तुझे गैरत क्यों नहीं आती है। और यार, अगर हाथ किसी अल्लाह वाले के हाथ में दिया है तो ऐद कर लो, हाथ कट तो सकता है, किसी भाभी के हाथ में हाथ जा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये नहीं कि हाथ उनके हाथ में एक बार दे दिया था तो अब इस हाथ की जरूरत ही नहीं, मुरीद हो के बात खत्म। वो जानते हो, हुजूर के प्यारे चहीते लाडले सहाबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा का, अहले बैत का नाम लेकर के हुजूर के सहाबा के खिलाफ भौंकते, हमें उनसे भी बचना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सहाबा की आड़ में अहले बैत के खिलाफ भौंका करते, हमें उनसे भी बचना है। सुन्नी वो है जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होता है, ये सही सुन्नी। हाँ, तो लोगों ने भौंका हजरत उस्मान गनी के खिलाफ, मगर खुदा की कसम तुम जानते नहीं हो, उस्मान वो हया वाला सहाबी है जिससे फरिश्ते भी हया करते थे, फरिश्ते भी हया करते थे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। जानते हो, जिस हाथ से आपने हुजूर के हाथ में हाथ दिया था, उस हाथ से हुजूर ने वही, हजरत उस्मान गनी ने वही लिखी। और जब बलवाइयों ने आपको घेरा, 40 दिन आप पे पानी बंद किया गया, कितने दिन बोले, कितने, 40 दिन। अगर दीन के लिए दिक्कतें आ जाए ना, दिल थोड़ा ना किया करो, मेरे मुजाहिद की तरह सीना चौड़ा करके मैदान में डट जाया गया। हमने तो मसलक के लिए, हमने दीन के लिए पत्थर भी नहीं खाया। सलाम हो मुजाहिदे मिल्लत की तुर्बत पर कि उन्होंने जेल भी काटी है, लोगों के ताने भी सुने हैं। दुनिया कहती थी मुजाहिद रास्ता बदल दे, दुश्मन कम हो जाएंगे, मुस्कुरा के कहते थे मुजाहिद की दोस्ती भी खुदा के लिए है, दुश्मनी भी खुदा के लिए। इन्हें बिगड़े सूरत वालों को मुस्तफा का दीदार क्या खाक होगा। हाँ, इन्हें तो हुजूर मदीने से ही वापस कर देते, इन्हें मजार तक नहीं दिखाते। वो नसीब वाला नहीं है जिसने आंखों से मुस्तफा को देखा, और उनके नाम पे पत्थर खा के तो देख, खुदा की कसम फिर करम मदीने से होता। कभी उनके लिए लोगों की ताने तो सुनो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जब जेल के अंदर डाला गया था ना, तो तपती हुई जमीन थी अरब की। कैसी जमीन थी? तपती हुई। आज उस जमीन की गर्मी का आज ही आलम है कि जब गर्मी होती है ना, लोग दीवार का सहारा लेके चलते,
ताकि सूरज ना पड़ सके। खुदा की कसम ऐसी तपती हुई जमीन पर, पथरीली जमीन पर मुजाहिदे मिल्लत को कैद करके छोड़ा गया। माथे पे पसीना था लेकिन दिल पे सुकून था। अल्लाहु अकबर, गर्मी की शिद्दत थी लेकिन रूह तस्कीन पा रही थी। ये मुजाहिदे मिल्लत हैं। जब वहां की कैद में आपको डाला गया, किसी ने ख्वाब में देखा कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हैं और भी दीगर उलमा हैं। हुजूर के मजार के आगे दस्तरखान लगा है और दस्तरखान बिछाने वाला कोई और न था बल्कि आमीना का लाल मौजूद था। हुजूर ने दस्तरखान बिछाया, उलमा आके बैठ जाते हैं। दस्तरखान पे उलमा की दावत है और उन्हीं बैठने वालों में एक मेरा धाम नगर शरीफ का शहजादा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत भी हैं, जिसने ये ख्वाब देखा उनका अपना बयान है। मैंने देखा उलमा, बाकी तो सारे अपने हाथ से खा रहे थे लेकिन मुजाहिदे मिल्लत को मदीने वाले मुस्तफा अपने हाथ से लुकवे खिला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कभी उनके नाम पे पत्थर खा के तो देख, और तूने तो कभी कोई पत्थर भी नहीं खाया। तो हमने किसी के आगे अभी तक कोई जुल्म ऐसा ना सहा जिसके लिए हम कह सके हमने दीन के लिए ये दिक्कत उठाई है। हाँ, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला 40 दिन पानी बंद किया गया। कितने? 40 दिन। जानते हो तकरीबन 1400 सहाबा आए, कहने लगे खलीफतुल मुस्लिमीन इजाजत दें, जिन्होंने पानी बंद किया है लम्हों में काट के फेंक देंगे। क्या फरमाया? अगर इजाजत दें लम्हों में काट के फेंक देंगे। वो खुदा की कसम, वो मेरे नबी के परवरदा थे। 40 दिन पानी बंद हुआ, सामने हिमायती भी मौजूद, चाहने वाले भी मौजूद, कहें तो गर्दनें काट दे। कहने लगे नहीं, ये मेरे महबूब का शहर है, ये मेरे महबूब का शहर है, यहाँ खून गिरे उस्मान को गवारा नहीं। जान तो दे सकता है, नबी के शहर की अजमत पे आंच आई है गवारा नहीं। आज मुझे बता तो सही, बात बात पर फितने उठाते हैं, जरा सर सी बातों को लेकर के हम झगड़े खड़े कर देते हैं। वो कैसे फितनों को दबाते थे, आज जरा सी बात हो जाए पांच इधर हो जाते हैं, पांच उधर हो जाते हैं, और फिर एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार। सब कलमा पढ़ने वाले हैं, सब हुजूर से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं, लेकिन दिलों में गुंजाइश नहीं, हमारे दिलों में गुंजाइश नहीं रहती। ये सच्ची बात है, दिलों में गुंजाइश नहीं है। आदमी चौराहे पे खड़े होकर के 10 लाख की खैरात बांट देता है, पड़ोस में सगे भाई की बेटियां गुर्बत की वजह से अपने बाप की दहलीज पे बैठी हैं, ये ख्याल नहीं आता 2 लाख का जहेज देके इस बेटी को इज्जत से रुख्सत किया जाए। हमारे दिलों में इतनी जगहें नहीं रही, हम कितने तंग नजर हो गए। हमने अपना भला सोचा और कभी गैरों के लिए सोच के देख, खुदा की कसम अल्लाह तेरी नस्लों को बहा रहा था। लेकिन सोच के तो देखो, हाँ जब दूसरों के सोचोगे भलाई के बारे में ना, तब अल्लाह आपको भला देगा, आपकी नस्लों के साथ भला होगा। सुने एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम था उनका शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, दिल्ली के एक बुजुर्ग थे, दिल्ली के बुजुर्ग थे। उनका एक मुरीद था, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां दी थी। कितनी? मेरी हिंदी, मेरी जबान समझ में आ रही ना आपके? अगर आ रही तो बोले कितनी बेटियां थी? 6 बेटियां। कहने लगा हुजूर 6 बेटियां हैं, एक बेटी के निकाह में कम से कम 1000 दिरहम की जरूरत है, दुआ फरमा दें अल्लाह इंतजाम कर दे। तो वो आता पीर के पास और ये कह के चला जाता। उसका एक दोस्त एक ईसाई था, कहने लगा इन फकीरों से क्या मांगता, इनके यहाँ रोज आके गिड़गिड़ा के चला जाता है, और ये तुझे क्या दे सकते हैं? उसने कहा जा अपने पीर से जाके कह दे, अगर वो मेरे यहाँ जानवरों को 6 महीने चारा खिलाए ना, तो मैं 1000 नहीं बल्कि 6000 दिनार देने के लिए तैयार हूं। कितने? 6000। कितने दिन चारा खिलाना है? 6 महीने तक। वो रखते थे ना लोग, आज भी मुलाजिम दुकानों पर रखते हैं लोग, लेकिन हमने तो हद ही कर दी। अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है, मुलाजिम रखा है ना, तो मजबूरी का फायदा उठाते हैं लोगों की। अगर एक आदमी की तनख्वाह 10000 होनी चाहिए, तो गरीब को रख के उसे 4000 महीने के दे रहे हैं। किसी की मेहनत का नाजायज फायदा ना उठाओ, एक दिन मर के हिसाब देना है इसका। हाँ, अल्लाह को हिसाब देना है।
जिसका जो हक बनता है उसको वो दिया जाए। आज तो हम मजदूरों को भी गुलाम समझते हैं, गालियां उन्हें देते, ताने उन्हें देते, धक्के उन्हें देते और सोचते हैं अगर मैं नहीं दूंगा तो जाएगा कहां। खुदारा रहम कर, एक दिन तुझसे भी हिसाब लिया जाएगा, एक दिन तुझसे भी हिसाब लिया जाएगा। वो बुजुर्ग कहने लगे, उसने कहा कि अपने पीर से कह कि मेरे जानवर को ये 6 महीने चारा खिला दें, मैं तुझे 6,000 दिरहम दे दूंगा, 6,000 दिनार दूंगा। जब इतनी बात कही ना, गुस्सा आ गया। मुरीद तो मुरीद था ना, मुरीद तो पीर के लिए मर भी सकता है, कट भी सकता है, लेकिन शर्त है पीर भी ढंग का होना चाहिए, चिलम चोटा पीर ना हो। ये भी सुन ले मेरी बात, पीर भी ऐसा हो जो हाथ पकड़े तो रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे, ऐसा पीर होना चाहिए। और वो पीर ही ऐसा था। कहने लगे जब सी उसने कहा ना कि तू अपने पीर से कह मेरे घर पे 6 महीने जानवरों को चारा डाल दे, मैं जो हूं ना तुझे 6,000 दिरहम दे दूंगा। गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, लोग आ गए, बात समझाती गई, इधर उधर हो गए लोग। लेकिन ये बात चलते चलते ना उन बुजुर्ग के बारगाह में पहुंच गई कि एक ईसाई कहता है कि जा अपने पीर से कह मेरे जानवर को 6 महीने चारा खिला, मैं 6,000 दे दूंगा। आप उसके दरवाजे पे चले गए। कौन? कहा हम आए हैं। दरवाजा खोला, आप क्यों आए? कहने लगे सुना तूने ये कहा अगर मैं तेरे जानवर को 6 महीने चारा खिलाऊं तो तू मुझे मेरे मुरीद को 6,000 दिरहम दे देगा। उसने कहा तो था, कहा फिर मैं आ गया। उसने कहा जा बाबा तेरे बस की बात नहीं, कहा तूने तो कहा ना चौराहे पे कड़ियों के दूंगा, कहा तो है लेकिन तुमसे बात पूरी नहीं होगी, कहा जबान का पक्का तो बन। उसने कहा मैं तो जबान का पक्का हूं लेकिन आप नहीं रह सकते। आपने फरमाया क्यों वादा कर, चल चलते हैं, तहरीर तैयार की जाए। आज भी लिखा जाता है, आज भी यादगार के तौर पर मुआयदे तैयार किए जाते हैं, पहले भी लिखे जाते थे। गए काजी की बारगाह में, लिखा गया कि मैं 6 महीने इसके जानवर को चारा खिलाऊंगा और ये मुझे 6,000 दिरहम देगा, मेरे मुरीद को देगा। अल्लाह अकबर, तहरीर तैयार हो गई। आपने 6,000 दिरहम दिए और अपने मुरीद गरीब के हवाले कर दिए। फरमाया जाके अपनी बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दे। जब इतनी बात बादशाह के दरबार तक पहुंची, बादशाह हजरत का मुतअक्किद था, उसको पता चला हजरत ने 6 महीने के लिए अपने आप को फला ईसाई के हाथ में बेचा है। फौरन 12,000 दिरहम लेके आ गया। कहने लगा हुजूर उसके दिरहम वापस कीजिए, मैं आपको 12,000 दिरहम देने के लिए तैयार हूँ। आपको जलाल आया, फरमाने लगे सुन अगर दिरहम देने हैं तो दे, शर्त ना लगा, जो मुझे करना है मैं करके रहूंगा। बादशाह चूंकि गुलाम था, चाहने वाला था, 12,000 दिरहम दिए, बादशाह तो चला गया। आप अपनी जगह पे खड़े रहे। जब बादशाह वापस गया, आपने ऐलान किया लोगों मेरे पास 12,000 दिरहम मौजूद हैं, और किसी की बेटी अगर रुखसत होने से रह गई हो आए मुझसे 12,000 दिरहम लेके चला जाए। आपने वो 12,000 भी तकसीम कर दिए। अगला दिन आया है, आपने किसान उसके खेत में गए, जाकर के चारा काटना शुरू किया। पीछे से ईसाई चला गया, जाकर के देखने लगा अल्लाह वाला चारा काट रहा है, ये दूर से बैठ करके नजारा देख रहा है। उसने कहा बुजुर्ग जरा ठहरो तो सही, का बात क्या है, का बताओ तो सही। बादशाह ने 12,000 दिरहम दिए थे, अगर चाहते तो मेरे 6,000 दे करके अपनी जान बचा सकते थे और बाकी के 6,000 से उसकी गरीब बेटियों को इज्जत से रुखसत कर सकते थे। बताओ तो सही आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इतना सुनना था, अल्लाह वाले की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे मैं चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, तेरा मुआवजा खत्म हो सकता था, तेरा पैसा वापस हो सकता था, का बताओ तो सही फिर ऐसा क्यों नहीं किया। तो रो के कहने लगे 12,000 से 12 बेटियां रुखसत हो गई हैं, 6,000 से 6 बेटियां रुखसत हुई हैं, मैं तेरे दरवाजे पर काम करता रहूंगा ताकि और आने वाली नस्लों में गरीब बेटियां अपने बाप के दरवाजे से इज्जत के साथ रुखसत होती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा कदमों पे गिर गया, कहने लगा बस माफ कर दे, मैंने अब तक मुसलमानों के अखलाक के बारे में सुना था, आज पता चल गया, आज आंखों से देख लिया मैंने। उसने कहा बस कलमा पढ़ाएं और अपना बनाएं। फरमाने लगे इतनी भी जल्दी क्या गया, क्यों इतनी जल्दी कलमा पढ़ना चाहता। उसने कहा मैं समझ गया,
जब मदीने वाले के उम्मती के अखलाक का ये आलम है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के अखलाक का आलम क्या होगा? फिर मुस्तफा के अखलाक का आलम क्या होगा? भाई दूसरों के बारे में भला सोचे करो। हाँ आज हम अपने लिए जीते हैं, हमें जरूरत होगी तो हम 1800 के जूते खरीद लाएंगे, हमें अपने लिए जरूरत होगी हम 1 लाख का मोबाइल खरीद लाएंगे, लेकिन हमें उम्मत की गरीब बेटियां दिखाई नहीं देती। वो जिंदगी जी के देख, खुदा की कसम दूसरों के लिए जी के देखो, फिर देखो जीने में मजा कितना आता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, और हुजूर का गुलाम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया करता, दूसरों के लिए जिया करता। दिलों में जगह पैदा करें, नफरतें खत्म करें, बात बात पे झगड़ा, इमामत को लेके झगड़ा, मदरसों को लेके झगड़ा, पीरा मुरीदी को लेके झगड़ा, बंटवारे को लेके झगड़ा, लेन देन को लेके झगड़ा, कितने झगड़े हमारे बीच हो गए। इसमें सुलह करें और कौम में फितना ना फैलाएं, फितना ना फैलाएं। फरमाया गया अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज्यादा शदीद है। हाँ फितना कत्ल से ज्यादा शदीद है। खुदारा फितनों को हवा ना दें, फितनों को हवा ना दें।